विंडोज 11 में कैमरा सेटिंग्स के साथ कैमरों का प्रबंधन कैसे करें। कैमरा सेटिंग पृष्ठ आपको अपने डिवाइस से कनेक्ट किए गए कैमरों को प्रबंधित करने में मदद करता है। टास्क बार से कैमरे प्रबंधित करें, खोजें और खोलें। आपके डिवाइस से कनेक्टेड कैमरों की एक सूची प्रदर्शित होती है। कनेक्ट किए गए कैमरों की सूची से एक कैमरा चुनें। विंडोज कैमरा को चालू करता है और प्रीव्यू स्क्रीन के साथ साथ विभिन्न सेटिंग्स को एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल भी प्रदर्शित करता है। बेसिक सेटिंग्स के अंतर्गत कंट्रोल्स का उपयोग करें और छवि को एडजस्ट करें। बदलाव प्रीव्यू स्क्रीन में प्रदर्शित होते हैं और उस कैमरे के लिए नई डिफॉल्ट सेटिंग्स के रूप में सहेजे जाते हैं। नोट: कुछ कैमरा निर्माता एक ऐप जोड़ते हैं जो आपको कैमरे को और अधिक कॉन्फ़िगर करने की सुविधा देता है। उन कैमरों के लिए संबंधित सेटिंग्स के अंतर्गत निर्माता ऐप खोलने का विकल्प दिखाई देता है। यदि आपके पास व्यवस्थापकीय पहुंच है तो आप डिवाइस का उपयोग करने वाले सभी लोगों के लिए कैमरे को अक्षम और सक्षम कर सकते हैं। कनेक्ट किए गए कैमरे के अंतर्गत उस कैमरे का चयन करें जिसे आप अक्षम करना चाहते हैं। अक्षम करें, चुनें। नोट: कुछ डिवाइसों पर एक कैमरा अक्षम करने से आपके पीसी पर एकाधिक कैमरे अक्षम हो जाएंगे। यदि ऐसा होता है तो आपके द्वारा अक्षम करें का चयन करने के बाद विंडोज एक चेतावनी संदेश दिखाता है। कुछ कैमरों को अक्षम करने के लिए आपको अपने डिवाइस को रीबूट करना पड़ सकता है। कैमरा सक्षम करने के लिए अक्षम किए गए कैमरा के अंतर्गत इसे चुनें। अक्षम किए गए कैमरा के अंतर्गत उस कैमरे को चुनें जिसे आप सक्षम करना चाहते हैं। सक्षम करें, चुनें। कैमरा अब सक्षम है।